रतलाम के सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो परिवार के लोग आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जमकर लाठियां चल रही हैं। इस मारपीट में महिलाओं पर भी पुरुषों के द्वारा लाठियों से प्रहार किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। यह वीडियो रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत PNT कॉलोनी का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक घटनाक्रम विगत 6 तारीख की है। वीडियो वायरल होने के बाद करनी सेना ने विरोध प्रदर्शन करते हुए SP के नाम एक ज्ञापन सौंपा तथा आरोप लगाया कि पुलिस के द्वारा साधारण धाराओं में मुकदमा दर्ज कर प्रकरण को दबाया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि जिस व्यक्ति के द्वारा मारपीट की गई वह हाल ही में रिटायर्ड पुलिसकर्मी का परिवार है, जो आए दिन क्षेत्र में लोगों को परेशान करता है। मामले में पुलिस अधीक्षक ने 3 दिन में निष्पक्ष जांच कर मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। जी, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, इसलिए मैं ये कर रही हूँ कि बोले वो हमारे सामने पड़ोसी है, वो अश्लील हरकतें करते सर हमारे साथ, मतलब गंदे गंदे इशारे करना, रोड पे अपने आने जाने में रोकना, हमारे घर में छोटी छोटी लड़कियों को इशारा करना, मतलब ऐसे काम कर रहे हैं, तो हम परेशान हो गए सर। यहाँ आए, आप ज्ञापन दिया है, क्या मांग करी आपने? हमने मांग करी हमारे न्याय दिलाए हमको, 3 दिन के अंदर अंदर सख्त ये बनाए, अगर 3 दिन के अंदर अंदर नहीं बनाए फिर आंदोलन को आगे आंदोलन का हमारे करनी सेना भाई हमारे साथ है। बताए, ज्ञापन देने आए थे SP को, क्या मांग है आपकी? देखिए, हमारा एक राजपूत परिवार है जो कि PNT कॉलोनी में निवासरत है, बलवंत सिंह जी वाघेला नाम है उनका, और उन्हीं के सामने कोई सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी जो है वहाँ निवास करते हैं, उनके द्वारा आए दिन अभद्र व्यवहार राजपूत परिवार के साथ किया जाता है। राजपूत परिवार के साथ नहीं, जितने और परिवार भी उस PNT कॉलोनी गली नंबर 3 में निवासरत है उनके साथ भी निरंतर उनका यही व्यवहार देखा गया है, और उनके द्वारा जो कि पीड़ित परिवार को कुछ ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने जब पुलिस में शिकायत की तो उसके लिए भी उन्होंने दबाव बनाकर अपने मन मुताबिक रिपोर्ट उस तरीके से लिखाई गई जिसका कोई प्रभाव उन पर ज़्यादा ना पड़ पाए। करनी सेवा द्वारा किस तरह से उसको शिकायत मिली और संज्ञान में लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है? औद्योगिक थाना अंतर्गत रतलाम में एक लड़ाई झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें एक पक्ष ने वीडियो भी उपलब्ध कराया था। CCTV फुटेज के आधार पर उसमें देखने पर दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, और इसमें देखने पर जो समझ में आया है कि जिन लोगों ने इसमें डंडे का नेट का उपयोग किया है उन पर FIR के लिए भी निर्देशित किया गया था। इनफैक्ट उस दिन दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ FIR कराई गई। आज एक ज्ञापन भी इस संबंध में क्षेत्रीय निवासियों ने और कुछ सामाजिक संगठनों ने दिया है, उसमें उठाए हुए बिंदुओं पर भी हम लोग पूरी संजीदगी से जाँच कराकर आगे कार्रवाई।